सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। फाइनली हमारे पास आ चुकी है ब्रांड न्यू रेडमी नोट 8 और आज के इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इस रेडमी नोट 8 के कुछ वीडियो के सैम्पल्स, फोटो के सैम्पल्स और साथ ही साथ मैं कर रहा हूँ इस रेडमी नोट 8 की स्टेबिलिटी टेस्ट। तो वीडियो को एंड तक देखें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इसकी वीडियो के सैम्पल्स, वीडियो की क्वालिटी, इमेज के सैम्पल्स और इमेज की क्वालिटी कैसी लग रही है। बट उससे पहले आप लोगों को करना है सिर्फ दो स्टेप, सिंपली इस वीडियो को करना है लाइक, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब और अगर आपकी कोई भी क्यूरी या फिर कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग इस रेडमी नोट 8 की तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई करूँगा। सो फ्रेंड्स, मेरे इंस्टा की आईडी आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मुझे पर्सनली कैसा लगा इस रेडमी नोट 8 का कैमरा, कैसे लगी मुझे इसकी वीडियो की क्वालिटी और फोटो की क्वालिटी। सो नाउ लेट्स चेक इट आउट द क्वालिटी ऑफ दिस रेडमी नोट 8। दिस इज द सैम्पल वीडियो फ्रॉम द बैक कैमरा। अगर आप बैक कैमरा से डायरेक्ट सनलाइट पे वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो आपको कुछ इस तरह की क्वालिटी देखने को मिलेगी। अगर आप बैक कैमरा से शैडो पे रिकॉर्ड करोगे तो आपको कुछ इस तरह की क्वालिटी देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स, मैं अब कर रहा हूँ इस रेडमी नोट 8 की बैक कैमरा की स्टेबिलिटी टेस्ट। तो आप कुछ कैजुअली वॉक करोगे तो इस तरह की फुटेज देखने को मिलेगी आपको। और अगर आप रन करोगे तो कुछ इस तरह की वीडियो देखने को मिलेगी आपको। दिस इज द सैम्पल फ्रॉम द फ्रंट कैमरा। अगर आप फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे डायरेक्ट सनलाइट पे तो कुछ इस तरह की वीडियो की क्वालिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी इस Redmi Note 8 में। दिस इज द अनदर सैम्पल वीडियो फ्रॉम द फ्रंट कैमरा। अगर आप शैडो पे रिकॉर्ड करोगे तो आपको कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी देखने को मिलेगी फ्रंट कैमरा से। सो फ्रेंड्स, अब मैं कर रहा हूँ इसकी फ्रंट कैमरा की स्टेबिलिटी टेस्ट। जहाँ पे मैं कैजुअली वॉक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि इसकी वीडियो की स्टेबिलिटी कैसी है। अब मैं आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ जिससे आप लोगों को पता चले कि रनिंग में इसकी वीडियो की स्टेबिलिटी कैसी है। यह फ्रंट कैमरा की स्टेबिलिटी टेस्ट है। तो देख सकते हैं रनिंग और कैजुअल वॉक में पूरी की पूरी धरती हिल रही है। इट मीन इसकी फ्रंट कैमरा पे स्टेबिलिटी अवेलेबल नहीं है। दिस इज द सैंपल ऑफ माइक्रो वीडियो। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा क्लोज से रिकॉर्ड करोगे तो आपको बैकग्राउंड ब्लर वाली वीडियो मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप इस मोबाइल की 2x ऑप्टिकल वाले लेंस से वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो कुछ इस तरह की वीडियो सैंपल आपको देखने को मिलेगी डायरेक्ट सनलाइट पे। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस फोन को ब्लॉगिंग के लिए परचेज करना चाह रहे हो तो मैंने फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा की प्राइमरी सेंसर से वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाया और अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इसके वाइड एंगल लेंस से। तो आप देख सकते हो ये कितना ज्यादा वाइड है। अब मैं इस वाइड एंगल लेंस का आप लोगों को एक्सपोजर एडजस्ट करके दिखा रहा हूँ जहाँ पे मैं शैडो से जा रहा हूँ डायरेक्ट सनलाइट पे कैजुअल वॉक के थ्रू। तो आप देख सकते हैं कि इसकी एक्सपोजर एडजस्टमेंट और स्टेबिलिटी कैसे देखने को मिल रही है। हालांकि मुझे तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। आप बताएं कि कमेंट करके कि इसकी स्टेबिलिटी आप लोगों को कैसे देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके वाइड एंगल लेंस से कैजुअल वॉक करते हुए रिकॉर्ड करोगे वीडियो तो आपको कुछ इस तरह की वीडियो सैंपल देखने को मिलेगी। अगर आप रन करते हुए रिकॉर्ड करोगे इसके वाइड एंगल कैमरा से तो आपको कुछ इस तरह की स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। अभी मैं रन कर रहा हूँ इसके वाइड एंगल कैमरा से, तो बताएं कि इसकी स्टेबिलिटी आपको कैसी देखने को मिल रही है। दिस इज द ऑटो फोकस टेस्ट और ऑटो फोकस तो मुझे इसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। आप देख सकते हैं कितना क्विकली ये मेरे हैंड को फोकस में ले रहा है। मस्त ऑटो फोकस है। 10,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसकी ऑटो फोकस एकदम मस्त है यार। अब मैं इस Redmi Note 8 की एक्सपोजर एडजस्टमेंट टेस्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मैं अपने कैमरा को टूवर्ड्स द सन से अगेंस्ट द सन मूव कर रहा हूँ और मुझे एक्सपोजर एडजस्टमेंट में कोई भी इशू दिखने को नहीं मिल रही है। इट मीन इसकी एक्सपोजर एडजस्टमेंट अच्छी है। सो फ्रेंड्स, मैंने तो सोचा था कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को Redmi Note 8 की कुछ वीडियो के सैम्पल्स और इमेज के सैम्पल दिखाऊंगा, बट वीडियो रिकॉर्ड करते करते ही काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में वीडियो रिकॉर्ड किया जहाँ पे मैं भाग रहा हूँ, स्टेबिलिटी टेस्ट कर रहा हूँ। तो बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।
बट अगर आप फोटो का रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप लोगों को मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इस Redmi Note 8 की फुटेज को इन डेप्थ में रिव्यू करूंगा। अब रही बात कि आपको ये स्मार्टफोन परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो दो सिनेरियो है। अगर आपका प्रीफ्रेंस, आपकी प्रायोरिटी कैमरा है और आपकी बजट 10,000 की ही है, तो डेफिनेटली आप इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो, क्योंकि इस स्मार्टफोन में हमें 4 लेंस मिलते हैं और सबसे बढ़िया बात यह है कि उन चारों लेंस में हमें स्टेबलाइजेशन मिलते हैं, जो कि अभी आप देख सकते हैं मैं वाइड एंगल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसकी क्वालिटी और स्टेबलाइजेशन कितनी ज्यादा अच्छी है। हाँ, आपको एक फ्लैक्सिब लेवल की टक्कर की तो क्वालिटी नहीं मिलेगी, बट हाँ 10,000 के रेंज में मैं ऐसा बोल सकता हूँ इस कैमरा को यूज करने के बाद कि अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट कैमरा मैं यूज कर रहा हूँ, जो कि 10,000 के रेंज में है। सो गाइज, आई थिंक यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, जहाँ पे मैंने Redmi Note 8 के डिफरेंट सिनेरियो में वीडियो टेस्ट किया, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, भाग रहा हूँ, एक्सपोजर टेस्ट कर रहा हूँ। तो बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ताकि आप इन फ्यूचर इसी तरह के वीडियो देखते रहें। सो नाउ थैंक्स फॉर योर टाइम।